क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से आप घरों में कैद होंगे? क्या फिर रफ्तार पर ब्रेक लगेंगे? क्या फिर वही मुश्किल और परेशानी आने वाली है? ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राजस्थान में अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के नए मरीजों को घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अन्य राज्यों में कुछ जो नए स्ट्रेन के केस मिले हैं, साउथ अफ्रीका के जो केस स्ट्रेन का है, यूके स्ट्रेन के हैं, उससे हम थोड़ी चिंता बढ़ती है कि तेजी से वहां पर वापस कोरोना का फैलाव हुआ है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी इस पर चिंता जताई है। कोरोना पर आज समीक्षा बैठक की है उन्होंने। सीएम के इस कदम की गंभीरता को हर किसी को समझना होगा, क्योंकि दुनिया भर में बीते एक साल से कोरोना का कहर जारी है। भारत भी करीब एक साल से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बीते एक महीने से कोरोना की रफ्तार डाउट एट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सही आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। कार पर ब्रेक लगते दिखाई दी, मामलों में कमी आई, लेकिन अब दोबारा कोरोना अपने पांव पसारता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। देश में फिर से रोजाना 15,000 कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। इन हालातों को देखते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। सीएम के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक हैं। ये देखिए, जयपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। यहाँ बिना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज के यात्रियों का आवागमन हो रहा है। कई यात्री बिना मास्क के स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी तो छोड़िए, जिम्मेदार लोग भी अब बेपरवाह होते जा रहे हैं। जोधपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के निजी सहायक बिना मास्क के नजर आए। वहीं लोगों को मास्क बांटने वाला नगर निगम का मास्क बैंक बंद पड़ा है और निगम कर्मी भी मास्क लगाना भूल रहे हैं। कोविड के प्रति सावधान रहेंगे, 1% भी लापरवाही हम इसमें नहीं बरत सकते। कोविड जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाए, हर तरीके से 1% भी अगर हमें मिल रहा है, तो हमें कोविड से सावधानी रखनी जरूरी है। इसलिए जनता को राज्य सरकार ने जो भी नियम कायदे सावधानी के दिए हैं, उनकी पालना सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के पीछे हमारी लापरवाही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और हमें सजग करने वाला प्रशासन भी लापरवाह हो जाए तो फिर मौत के इस वायरस को भला कौन रोक सकता है। जिस कोरोना ने इतना दर्द दिया, इसे वापस न लौटने देने की जिम्मेदारी सबकी है। आज की बहस इसीलिए, ताकि हम लापरवाह अगर हो चुके हैं तो जाग जाएं। अस्तो शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।